हेलो एवरीवन, योगा फॉर ऑल रोगा की सीरीज में आपका स्वागत है। सो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज आईबीएस। आईबीएस इज बेसिकली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ये एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है जो कि आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल्स में पाया जाता है। एंड इसके जो मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं दैट इज बेसिकली पुअर ईटिंग हैबिट्स। आप जब कोई भी खाना खाते हैं तो वो टाइम पे नहीं खाएं तो भी ये दिक्कत हो सकती है। जो भी बाहर का जंक फूड, पैक्ड प्रोसेस्ड फूड जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। एंड अगर किसी का डाइजेशन पुअर है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओवर ईटिंग कुछ लोग करते हैं उनमें भी ये दिक्कत हो सकती है। और जो लोग पुराना खाना जो पचता नहीं है बेसिकली, उसके बाद अगर इंसान जो है वो दोबारा खाना खा लेता है तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। एंड जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या जिन लोगों के ज़्यादा लॉन्ग वर्किंग आवर हैं, ऑन स्क्रीन आवर्स हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो उन लोगों में भी जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ कमिंग टू द सिम्टम्स, इसके जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं वो क्या है। बेसिकली जो सिम्टम्स से पहले हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। जो आईबीएस है ये तीन तरह के इसकी टाइप्स हैं। फर्स्ट इज आईबीएस सी, दैट इज आईबीएस कॉन्स्टिपेशन। सेकेंड इज आईबीएस डी, दैट इज आईबीएस डायरिया। एंड थर्ड, जिसमें दोनों ही होते हैं, आईबीएस डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन बोथ। सो अब हम इनके सिम्टम्स पे की बात करते हैं। सबसे पहले जो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा दैट इज ऑल्टर्ड मोशंस। कुछ लोगों में बहुत ज्यादा डायरिया हो जाता है और कुछ लोगों में बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड स्टूल होता है। एंड नेक्स्ट इज ब्लोटिंग, गैस, एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमेन में डिसकम्फर्ट होना, दैट इज अ वेरी कॉमन सिम्टम। और इसके अलावा जो है डाइजेशन आपकी पुअर है, आप कुछ भी खा रहे हो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पेट में दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ब्लोटिंग, नोजिया बेसिकली आपको हो जाता है, एवर्जन टू फूड, खाना आपके सामने रखा है आपका खाने का मन नहीं करेगा, तो दीज आर द सिम्टम्स। एंड कुछ लोगों में जब ये ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है तो म्यूकस देखने को भी मिलता है, जिसको हम पस भी बोल देते हैं स्टूल में, वो भी आ सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो आईबीएस के पेशेंट्स के होते हैं। एंड नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट, सो इन प्लैनेट आयुर्वेदा वी हैव आईबीएस केयर पैक and which includes lot of herbal formulations, तो वो भी आप ले सकते हैं। and now coming to the home remedy, कि इसके लिए आप क्या ऐसी home remedy घर रह के कर सकते हैं, that is the first one is buttermilk। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको 2 चम्मच जो है वो दही के लेने हैं एंड उसको एक ग्लास में डालना है। एंड आफ्टर दैट आपने पूरा ग्लास जो है वो पानी से भर देना है। दैट मीन्स कि जो आपका बटर मिल्क है उसकी जो कंडेंसिटी है वो बहुत ही पतली होनी चाहिए। एंड उसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर यूज़ करके उसको ले सकते हो, बिकॉज इन आयुर्वेदा इट इज़ टर्म्ड एज गृहिणी। दैट मीन्स आपके जो एब्डोमन है ये उसका डिसऑर्डर है, बेसिकली डी अरेंजमेंट ऑफ वात एंड पित्त दोषा। सो उसके लिए आप बटर मिल्क यूज कर सकते हो, बटर मिल्क इज वेरी गुड। एंड वन मोर थिंग यू कैन इंक्लूड इज 1 teaspoon ऑफ काउज घी इन योर डाइट टू स्टिम्युलेट योर डाइजेस्टिव फायर। सो इसके लिए, बिकॉज दिस इज अ योगा वीडियो, सो हम इसके लिए जो है वो आपको आसन्स करके भी बताएंगे। सो देयर आर 3 आसनास विच यू कैन यूज प्रीडोमिनेटली। द फर्स्ट वन इज मत्स्य आसन, and the second one is Salbh Asan, and the third one is Dvimukh Pavan Mukt Asan. So ये जो तीनों आसन्स हैं ये बेसिकली आपके जो क्रैम्प्स हैं, एब्डोमिनल पेन है, डिसकम्फर्ट है, गैस्ट्रिक इशू है, उसको रिलीव करने में हेल्प आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द आसनास। सो अब हम सबसे पहला आसन करने जा रहे हैं जो है द्विमुख पवन मुक्त आसन। सो उसके लिए आपको सबसे पहले ऐसे बैठना है एंड शवासन में लेटना है। तो जब आप शवासन में लेट जाएंगे तो आपको अपनी दोनों जो लेग्स हैं उसको बेंड करना है और उसको अपने हैंड से जो है वो पकड़ लेना है। एंड देन आपको अपनी जो चिन है उसको अपनी नीज पे टच करना है, लाइक दिस। So this is Dvimukh Pavan Muktasan and it is very good for relieving your abdominal bloating and gastric issue। और उसके बाद आपको धीरे धीरे करके अपने हाथों को नीचे लेके आना है, अपनी लेग्स को फ्लेक्स करना है एंड फिर आप इसी आसन को जो है वो 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं एंड इट विल हेल्प इन योर आई बी एस।
अब हम दूसरा आसन करने जा रहे हैं, दैट इज सल्भ आसन। तो उसके लिए आपको बेसिकली अभी उल्टा होके लेटना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले ऐसे लेटेंगे लाइक दिस। सो जब आप ऐसे लेट जाओगे तो उसके लिए आपको अपने सबसे पहले हैंड्स को उठाना है लाइक दिस और अपनी पैरों को उठाना है। सो दिस इज सल्भासन। एंड इसको 2-3 सेकेंड के लिए होल्ड करने के बाद आपको आसन को जो है वो छोड़ना है लाइक दिस। एंड यही चीज को आप जो है वो 3-4 बार रिपीट कर सकते हैं एंड इट विल हेल्प इन रिलीविंग योर सिम्टम्स लाइक ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक इशू एटसेट्रा। सो अब हम अपना तीसरा आसन करने जा रहे हैं फॉर IBS, दैट इज मत्स्य आसन। उसके लिए हमें सबसे पहले शवासन में लेटना है लाइक दिस। और उसके लिए लेटने के बाद आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा ऐसे बेंड होना है एंड अपने हाथों को ऐसे नीचे दोनों साइड से ऐसे कर लेना है। एंड देन उसके बाद आपको ऐसे उठना है एंड देन आपको जो है वो अपनी नेक को पूरा स्ट्रेच करना है पीछे की तरफ। सो दिस इज मत्स्य आसन। इस चीज को आप 2-3 सेकेंड के लिए होल्ड कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट आपको धीरे धीरे अपनी गर्दन को फ्लेक्स करना है, रिलैक्स करना है एंड देन आप अपने हाथों को जो है वो निकाल सकते हैं एंड यही चीज को आप 3-4 बार जो है वो रिपीट कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली मत्स्य आसन। इट इज वेरी गुड फॉर द पेशेंट्स विद IBS। सो दिस इज ऑल अबाउट योगा आसन्स टू बी डन इन IBS। सो वी जस्ट वॉन्ट टू रिकमेंड वन थिंग कि आप योगा आसन्स को उतना ही करिए जितना आप कर सकें। इट इज़ नॉट, आपको पुश नहीं करना है अपने आप को कि आपको इसको मैक्सिमम जो है वो स्ट्रेच करके कर रही है। आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना आप उसको स्ट्रेच करके उस पोस्चर में रह सकते हैं आप उतना ही रहिए। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको उसको बिल्कुल एक्यूरेट करना है। And one more thing we would like to tell you ki for IBS you can consult with Planet Ayurveda experts and take the suitable herbal formulations along with these yoga asanas. Thank you. अब घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशंस करें टॉप MD आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट के साथ। इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक और पाए सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन की होम डिलीवरी वर्ल्ड वाइड। प्रॉब्लम कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com।